हे फैम व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब? सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी कल व्लॉग नहीं आ सका, थोड़ा सा भाई का दिमाग वगैरह आउट था, लेकिन आज से हम लोग प्रॉपर काम करेंगे और अच्छा सा काम करेंगे। भाई अभी का जो सीन है, अभी हो रही है सुबह, धूप किस तरह चमक रही है मेरे मुंह पे इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और मैंने कल पूरा दिन कुछ नहीं खाया था, मैं सोने लेटा तो मुझे भूख बहुत लग रही, तो भाई खाए बगैर तो नींद आएगी नहीं। मैं सोच रहा था कि मैं भूखा सो जाऊं, फिर एक अंदर से एक आवाज आई, क्यों? इसी बात पे मैंने खाना ऑर्डर कर दिया अपने लिए और फिजा के लिए। ये भी सो के उठी थी, तो चलो जल्दी से चल के उससे खाना लेते हैं, खाना वाना खाते हैं फिर सोते हैं, क्योंकि हमें सुबह उठ के लकी वन भी तो जाना है। सबर करो, मिलेगा। पॉइंट, ये कोई अच्छी हरकत नहीं होती है ब्रो। क्या किया है बताता हूँ अभी। 200 रुपीस के बस ये फ्राइज भेजे इन्होंने, गार्लिक ब्रेड तो माशाल्लाह से। क्या करें फिर, होम डिलीवरी नहीं करवाया करें आप लोगों से? ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये बहुत बार होता है। मैंने सोचा आज इन लोगों से भी शेयर कर दूं, तो दैट्स नॉट फेयर। अपनी फूड क्वालिटी अच्छी कर लो, कभी कभी बहुत अच्छी कर लेते हैं लोग, कभी कभी ये करते हैं, लेकिन फूड क्वालिटी हमेशा अच्छी होनी चाहिए। कभी कभी वाला सीन ऑफ हो जाता है। यार मूड तो सारा खराब कर दिया इन लोगों ने, अब चुपचाप खाते हैं और सुबह उठ के मिलते हैं। गुड मॉर्निंग अगेन। अरे आज तो धूप ही नहीं है, आज गर्मी भी नहीं, मतलब हम फुल स्लीव वाले कपड़े पहन सकते हैं। वो गर्मी होती तो मैं फिर भी पहन लेता, लेकिन खैर अभी दोस्त है एक, उसने ना कॉल कर 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 उठा दिया मुझे। उठाया भी इसलिए क्योंकि भाई गिटार सही करवाना है, गिटार टूटा हुआ था और शाम में इनका इवेंट है, शाम में इन लोगों ने परफॉर्म करना है, गिटार टूटा हुआ था वो सही करवाना है, मतलब वो जो स्ट्रिंग होती है ना वो। गिटार का मसला जो था वो ये था कि भाई इसकी ये है ना ये टूट गई थी, अब ये लगेगी और ऊपर से इसका थोड़ा सा एक्शन सही होना है, बस ये मैं इसको देता हूँ। नाश्ता ऐसा करते, रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं। तो जी ये है हमारा नाश्ता, एक सेकेंड, अब ठीक है। कमरे का हाल तो ऐसा ही होता है जब कहीं आपको जाना हो, और स्पेशली कहीं स्पेशल जगह पे, तो ये हाल तो होगा ना भाई। ओके सो आपका भाई नहा धो के बिल्कुल फ्रेश हो गया। अच्छा, हमें सबसे पहले तो दो काम है, एक शोएब भाई से जाके बाल बनवाने और दूसरा लकी वन जाना है। और ये लड़की अब सो के उठ रही है, टाइम से सो, टाइम से उठना कल से। क्या हो गया, इतना गुस्सा एकदम से, क्या हो गया फिजा? उंगली नीचे हो जाए और ये हो जाए, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, कुछ होना नहीं था। ओह माय गॉड, मेरे जलने वाले मरे, मेरे जलने वाले। पूरी पूरी पक्की बातें कर रही हैं। चलो मैं जा रहा हूँ, सही है तो चलते हैं। जेलस नहीं हो रही मैं, थोड़ा भूख लगी है बस। तो चलो जाके नाश्ता करो और टाइम से सोना। अबे क्या गोपाल है क्या? शकीरा जल्दी से ड्रायर मार दे, शाबाश, जल्दी से जल्दी से। मजे की बात पता है क्या, आउटफिट भी पूरा चेंज कर लिया था मैंने। करने से इतना है, मैंने इसके ऊपर सिर्फ जैकेट पहनी है, जैकेट अभी नहीं पहन रहा, गर्मी बहुत हो रही है। बस चलते हैं और डायरेक्ट अब निकलते हैं, लकी वन पहुंच के मिलते हैं, वहाँ के गेम्स और सीन्स चेक करते हैं, जो भी होगा वहाँ चल के देखते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे। अच्छा परफॉर्म नहीं किया ना, मैं कसम से आवाम आज तो बोतल मैं ही मारूंगा इन लोगों को अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इतना सिखाया एक तो मैंने यार। So guys, we are at lucky one. Confidence lose नहीं करना है तुम लोगों ने, अभी कौन सा सिंधियों वाला मास्क लगा लिया? और तुम्हें भी हेलो, अच्छा सा करना है जो करना है, सही है ब्रो? आप कभी डरेंगे किसी के सामने नहीं। अंदर चल के मिलते हैं क्योंकि आवाम थोड़ी सी यू नो ऑफ सीन ना हो जाए ना, अंदर चलते हैं, मास्क पास ऊपर करके बैठ के सुकून से मिलते हैं। भाई क्या माइक वाइक लेके घूम रहे हो तुम लोग, अभी से क्या डायरेक्ट क्या कर लोगे? अच्छा मजे की एक बात बताऊं, मैं परफॉर्म नहीं कर रहा, ये लोग कर रहे हैं, आएंगे कूद के बीच में, ये देखना। आना हुआ अगर आवाम ने बोला कि आओ आओ तो आ जाओ, वरना मुझे बड़ी शर्म आती है। कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक, मीटिंग चल रही है, जरा देखते क्या सीन होता है। 5 minutes later. भाई हम निकल पड़े, नीचे के गेम जाके चेक करते हैं, नीचे के गेम चेक कर लो, गेम चेक कर लो। चलो भाई आज बहुत मजा आएगा, मतलब कैसे हो सारे? शोर मचाओ, शोर। चलो करते हैं। हो रही है क्या? हो रहा है क्या? हो रहा है? चलो उड़ान पे ना जा।
मिले भी तो आए भाई परफॉर्म वगैरह हमने कर लिया, सारे बॉयज को मैंने छोड़ दिया था, लेकिन वो देखो वहाँ गेट तक आए, वापस जाने का रास्ता नहीं है, लेकिन यहाँ की सिक्योरिटी इशूज भी है, लेकिन खैर मैं सबसे मिलता हुआ जाऊँगा, बेफिक्र हो जाओ, यहाँ से निकलूँ फिर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। भाई गेट पकड़ के खड़े हो गए कि नहीं जाना नहीं है आपने। सर थैंक यू सो मच। ये देखो मैं यहाँ आया था जहाँ पे हुआ था कॉन्सर्ट, अब यहाँ जो होगा वो होगा। ये देखो ये बच्चा मुझे मिल गया, ये मैं इससे मिल लिया, फाइनली जो मुझे देखा ज्यादा से ज्यादा देखा मैंने उसको उतना टाइम दिया। क्या बोल रहे थे भाई? अली भाई के पास एक लड़की आई उसमें बोल रही है कि मुझे आपके साथ पिक्चर लेनी, बोल रहे रास्ता उधर है। नाउ वी हैव टू गो टू होम, घर नहीं जा रहे अभी, लेकिन भाई सेलिब्रेशन तो बनती है, थोड़ा जाए चाय शाय पिए बैठे डिस्कशन करें। एक और अनाउंसमेंट है, इससे ज्यादा अच्छा इवेंट होने जा रहा है, अभी वो सरप्राइज है। आहिस्ता आहिस्ते करके हम करते रहेंगे, आप लोगों को मजा जरूर कराएं। अभी जो ये सीन है, हम यहाँ पे गाड़ी का वेट कर रहे हैं, बस गाड़ी आए तो फिर निकलते हैं। Hours later. तो भाई हम घर आ चुके हैं, ठीक है। लड़की अभी तक काम कर रही थी, तुम कितने काम कर रही हो फिजा घर के? मुझे हार्ट अटैक आने वाला है देखे, तुम इतना काम कर रही हो। मेरी बात सुने जी। जैसे ना मेरा ना इंटरव्यू चल रहा था, मैं इतने काम करती हूँ कि मेरे घर वाले बोलते हैं अगर तुमने काम नहीं किया तो तुम्हारी दो रोटी पानी बंद। आज तो इतने सारे फैंस थे, देखना कल का व्लॉग लाजमी। कुछ खाया नहीं? खाना आ रहा है। अच्छा भाई, तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रहा सब, थैंक यू सो मच। जो जो आया नहीं आया वो अगली बार आ जाना, क्योंकि मे बी इस संडे को या नेक्स्ट संडे को प्रॉपर प्लान हो रहा है सारा सीन। इस व्लॉग को भी हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। सो गाइस लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।